नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में राजस्थान संविदाकर्मी धमाकेदार खबर। आचार संहिता में संविदाकर्मियों के लिए बड़ी खबर, नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, खुशखबरी। तो देखते हैं पूरी जानकारी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई है आचार संहिता में संविदाकर्मियों के लिए बड़ी खबर। पंचायती राज व मनरेगा विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों के लिए चुनाव आयुक्त ने नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिए। तो आप देख सकते हैं संविदाकर्मियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर है, जो आचार संहिता लगी है लोकसभा चुनाव के कारण। तो इसी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर आचार संहिता में जो पंचायती राज मनरेगा विभाग में कार्यरत है जो संविदाकर्मी, उन्हें जो नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो ये आप यहाँ पर लेटर देख सकते हैं, राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। इससे आप देख सकते हैं 2022 जो रूल है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण ने सर्जित 4,966 नियमित पदों पर स्क्रीनिंग से पूर्व महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यरत संविदा कार्मिकों का जिला स्तरीय कमेटी से दस्तावेज स्थापन हेतु आचार संहिता के दौरान जिलों के पत्र जारी करने अनुमति बाबत। तो आप देख सकते हैं आचार संहिता में नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, और काफ़ी लंबे समय से जो संविदाकर्मियों की मांग थी नियमितीकरण को लेकर, इसी को लेकर आप देख सकते हैं अच्छी खबर यहाँ पर है। ये पूरी यहाँ पर खबर आप देख सकते हैं, ये पत्र। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी संविदाकर्मियों के नियमितीकरण से जुड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।